तो मौके पर दोबारा लाइव हुए हैं, मौके पर बाबर पे परिजन जो है पहुंच गए हैं और रोडवेज की बस को तोड़ने की कोशिश की गई है और आप लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, रोड को जाम किया जा रहा है। ये तस्वीरें सीधी जो है 2200 पानीपत पर देख रहे हैं अभी, क्योंकि SHO मौके पर आश्वासन दे के गए थे, लेकिन ये जो औरतें हैं परिवार की महिलाएं जो है वो मौके पर पहुंच गई हैं और ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई की मांग ये कर रही हैं। तस्वीरें 2200 पानीपत पर देख रहे हैं। आपको बता दें थोड़ी देर पहले हरियाणा रोडवेज की बस ने एक युवक को कुचला है। तो ये महिलाएं जो हैं रोड के ऊपर लेट गई हैं और ट्रैफिक जाम जो है मौके पर हो गया है। लाइव तस्वीरें सीधा 2200 पानीपत के माध्यम से आप देख रहे हैं और ये तस्वीरें बाबरपुर से आप इस समय देख रहे हैं सीधी तस्वीरें। बच्चा जो है उसकी मौत हो जाती है और अब जो गांव वाली जो महिलाएं हैं वो मौके पर पहुंचना शुरू हो गई हैं। तो लाइव तस्वीरें 2200 पानीपत के माध्यम से आप देख रहे हैं। 20 सालों के बाप बन गया था, छोटा सा पाला था, मां ने 20 साल का था मेरा बच्चा, 20 का बेटा था मेरा, भतीजा था मेरा, भतीजा था गबरू, अजय था मेरा, अजय 20 सालों के बाप ने मरे, मां ने पाला था, छोटा सा था, छोटा सा बच्चा था मेरा, ये तो जवान हो गया था, ये तो प्राण लेक हो गया था, पसाले ने खा गया पसाला, बुआ हूँ मैं, डैन बुआ हूँ, डैन डैन बुआ हूँ, बुआ हूँ डैन, मार दिया, 20 सालों के बाप ने मरे उसके ने, छोटा सा पालते पालते गट्टू कर दिया, आज पसाला खा गया, आज पसाला खा गया। तो परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है, जैसे कि आप लाइव तस्वीरों में देख रहे हैं पूरा रोड जो है जाम कर दिया गया। जैसे ही गांव में ये सूचना फैलती है कि ऐसा हो गया तो उसी दौरान जो है लोग मौके पर पहुंच जाते हैं, ये महिलाएं जो है पहुंच जाती हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले SHO जो है अतर सिंह समझा कर गए थे, लेकिन बावजूद इसके क्योंकि परिवार का बच्चा जो है गया है, जैसा कि भी बता रहे हैं कि पहले उनके माँ बाप की मौत हो जाती है, लेकिन जो माफ़ कीजिएगा उसके पिता की मौत हो जाती है, उसके बाद जो है अब बच्चे की शादी होने के लायक थी, लेकिन उससे पहले ही हरियाणा रोडवेज ने युवक की जान ले ली। मौके पर SHO भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया, लेकिन महिलाएं जो हैं अब रोडवेज के जो ड्राइवर है उसको खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही हैं। ये बुआ है बच्चे की, ये चप्पल जो है उसकी उठा के ले जा रही है। बड़ा दर्दनाक हादसा GT रोड पर हुआ है, ये तस्वीरें आप आपका बेटा था? ओ मेरा लड़का है, मेरा लड़का है, पता नहीं क्या ले रहा यार, तेल जलवा ले आया, पता नहीं क्या कर रहा यार, मेरा बच्चा, मेरे बाप का पाला, मेरे बाप का पाला, ये बच्चे की माँ है, बेहोश हो गई है, जवान बच्चा इस माँ का जो है छोड़कर चला गया है। ये तस्वीरें बड़ी दुखदायी और दर्दनाक तस्वीरें जो है आप इस समय देख रहे हैं। परिवार के बच्चे की मौत हो जाती है और जब पूरे गांव में उनके रिश्तेदारों को पता चलता है तो ये लोग वहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं। हरियाणा रोडवेज की बस ने कुचला है। ये तस्वीरें बड़ी दर्दनाक और दुखदायी तस्वीरें जो है इस समय 2200 पानीपत पर देख रहे हैं। पूरा का पूरा जो रोड है वो इस समय जाम है। तो ये जाम
खुलवाने की कोशिश जो है पुलिस के अधिकारी कर रहे हैं। ये जाम खुलवाया जा रहा है और समझाया जा रहा है परिजनों को कि ड्राइवर के खिलाफ जो है कार्रवाई होगी, लेकिन महिलाएं जो हैं मानने को तैयार नहीं। ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें बाईसो पानीपत के माध्यम से देख रहे हैं। अजय नाम का युवक जिसकी उम्र जो 15-16 साल बताई जा रही है, पेट्रोल डलवाकर अपने घर की साइड जा रहा था और 120 की स्पीड जो है बताई जा रही है, गाड़ी की 120 की स्पीड थी और 120 की स्पीड के बाद जो है उस युवक को कुचला है। तो इस समय जीटी रोड पूरी तरह जो है जाम हो गया है। मामला आपको बता दें, जो दर्शक अभी जुड़े हैं, रोडवेज की बस, तेज बस आ रही थी, उसने बाइक सवार को कुचला है। 15-16 साल उस युवक की उम्र जो है बताई जा रही थी और 120 की स्पीड, जैसा कि प्रत्यक्षदर्शी बता रहे, 120 की स्पीड रोडवेज की बस की थी, उसने कुचल दिया उस युवक को। मौके से ड्राइवर का भी कोई पता नहीं है, ना कंडक्टर का पता है, और सवारियों को भी मौके से उतार लिया गया है। पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया है। बाबरपुर के सागर ढाबा के सामने से आप ये सीधी तस्वीरें वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से देख रहे हैं। बच्चा जो है पेट्रोल डलवाकर अपने घर की साइड जा रहा था, जैसे महिलाओं को पता लगा तो रोड के ऊपर महिलाएं जो हैं पहुंचना शुरू हो गई। तो SHO जो सदर हैं, SHO अतर सिंह है, जो मौके पर पहुंचे हुए हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं परिवार वालों को, लेकिन महिलाएं जो हैं समझने का नाम नहीं ले रही। तो जीटी रोड पूरी तरह इस समय जाम है। तो अब जाम जो है खुलवा दिया गया है। SHO अतर सिंह मौके पर पहुंचे हैं, लेकिन महिलाएं जो हैं मानने का नाम नहीं ले रही और रोडवेज की बस को भी तोड़ा जा रहा था, लेकिन पुलिसकर्मियों ने इन्हें समझा बुझाकर जो है पीछे कर दिया है। अब जाम जो है खोल दिया गया है। जीटी रोड पर भारी जाम जो है इस समय लग गया था, लेकिन परिवार की महिलाएँ जो हैं सुनने को तैयार नहीं है, क्योंकि परिवार का एक जो बच्चा है वो उन्हें छोड़कर चला गया है। 15-16 साल की जो उम्र है वो बताई जा रही है। करनाल रोडवेज की ये बस है जिसके नीचे जो है हादसा हुआ है। तस्वीरें आप वैसो पानीपत के माध्यम से आप देख रहे थे। तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ये बच्चे की माँ है। ये बच्चे की माँ बार बार बेहोश हो जाती है, इसे रास्ते से हटाया जाता है, लेकिन जाम की स्थिति को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है। ये बच्चे के परिजन है जो मौके पर तो सीधी तस्वीरें वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से शेयर जरूर करें, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की बस ने एक युवक को कुचला है और प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार 120 की स्पीड थी बस की। पता लग जाएगा, सर्टिफिकेट पता लग जाएगा, सर्टिफिकेट पता लग जाएगा।
वो दर्शक अभी अभी जुड़े हैं, बता दें आपको पानीपत के नेशनल हाईवे नंबर 1 बाबरपुर के पास हादसा हुआ है। 120 की स्पीड से हरियाणा रोडवेज करनाल की बस जा रही थी, युवक को कुचला है। 16 साल का उम्र जो है उसकी उम्र बताई जा रही है, अजय नाम था उसका, जो अभी तक का बताया जा रहा है। युवक की मौके पर मौत हो जाती है और ड्राइवर कंडक्टर मौके से ही फरार हो जाते हैं। जब गांव की महिलाओं को, उनके परिजनों को ये बातें पता चलती हैं तो मौके पर जो है पहुंच जाते हैं। और ये तस्वीरें, दुखदायी तस्वीरें जो हैं आप वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से लाइव देख रहे हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार भी गाड़ी बड़ी तेज थी और ये तस्वीरें आप जो देख रहे हैं बाबरपुर के सागर ढाबा के सामने से ये लाइव तस्वीरें जो है वॉइस ऑफ पानीपत पर देख रहे हैं। हालांकि थोड़ी देर पहले पुलिस कर्मियों ने समझा दिया था, लेकिन उसके बाद महिलाएं जो हैं रोड पर आई हैं, क्योंकि परिवार का एक जवान बच्चा गया है। ये वीडियो पानीपत के नेशनल हाईवे से देख रहे हैं आप। ये बड़ा दर्दनाक हादसा जो है थोड़ी देर पहले हुआ है। परिजन मौके पर हैं और परिवार की महिलाएं बार बार बेहोश होकर जीटी रोड पर गिर रही हैं। जाम लगा दिया गया था, लेकिन अब जो जाम है वो खुलवा दिया गया है। बताया जा रहा है कि बच्चे का पिता नहीं है और पिता की डेथ के बाद यही जो है परिवार का सहारा था, लेकिन आज ये बच्चा भी जो है इस दुनिया में नहीं रहा। रोडवेज का ड्राइवर जो है बताया जा रहा है मौके से फरार हो गया है। ये तस्वीरें नेशनल हाईवे से आप देख रहे हैं, सागर ढाबा बाबरपुर से। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हरियाणा रोडवेज की एक करतूत जो है, हरियाणा रोडवेज के ड्राइवर की एक करतूत जो एक बार बिल्कुल फिर से सामने आई है। 120 की स्पीड से, ओवर स्पीड से ये गाड़ी चला रहे थे। हालांकि 304A के तहत मामला दर्ज किया जाएगा और सिर्फ लापरवाही का मामला जो है उस ड्राइवर के खिलाफ होगा। होना तो ये चाहिए कि दूसरा मामला जो संगीन धाराओं में मामले दर्ज होने चाहिए, ताकि ड्राइवर को जमानत भी ना मिल सके, और ऐसा नहीं हुआ। मात्र 304A की कार्रवाई जो है पुलिस कर्मचारी कह रहे हैं, तो पुलिस कर्मियों से बहस करती हैं महिलाएं। आप वॉइस ऑफ पानीपत के सामने की लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, बाबरपुर के सामने की तस्वीरें हैं। वॉइस ऑफ पानीपत के माध्यम से आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं। ये परिवार की महिलाएं बेहोश होकर जो है नीचे गिर रही हैं।
बता दें आपको कि बाबरपुर के पास एक दुखद हादसा हुआ है, बड़ा हादसा हुआ है। 15-16 साल का जो बच्चा है उसकी कुचलकर मौत हुई है। हरियाणा रोडवेज करनाल की बस जो है तेज स्पीड से आ रही थी, तेज गति से आ रही थी, उसके नीचे युवक की कुचलकर मौत हुई है। बाइक अंदर थी, थोड़ी देर पहले निकाल ली गई है। हालांकि पुलिस कर्मचारियों ने समझा भी दिया था परिवार वालों को, लेकिन उसके बावजूद परिवार की महिलाएं और उनकी जो रिश्तेदार हैं वो मौके पर पहुंच जाते हैं और जाम लगा दिया जाता है। अभी मौके पर भारी पुलिस बल जो है तैनात किया गया है, परिजनों को समझाए जाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन एक सवाल फिर से वही खड़ा होता है कि 304A के तहत मामला क्यों दर्ज करने की बात पुलिस कर रही है। ये रोडवेज की बस को तोड़े जाने की कोशिश है वो भी की जा रही है, और बस को आग लगाने की बात भी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल कर सामने आ रही थी, लेकिन एहतियातन जो है पुलिस यहाँ पर तैनात कर ली गई है और जाम को भी खुलवा दिया गया है। ये पत्थरबाजी जो है की जा रही है। ये एक को दर्दबोचा है, पत्थरबाजी की थी तो बच्चे को जैसे पकड़ने की कोशिश की। महिलाएं एक बार फिर से बिफर गई है, SHO पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन महिलाएं जो है एक बार फिर से इकट्ठा हो गई, आग बबूला हो गई, क्योंकि एक बच्चा उनका चला गया तो दूसरे को जो यहां पर बच्चे की फेवर में आए थे, परिवार की फेवर में आए थे, उनके साथ झगड़ा होना शुरू हो गया है। तो वीडियो वैश्व पानीपत के माध्यम से देख रहे हैं। तो जैसे ही रोडवेज की बस को ईंट मारने की कोशिश की, शीशा तोड़ने की कोशिश की, वैसे ही पुलिस अधिकारी ने उसे धर दबोचा और मामला अब ये भड़क गया। अब महिलाएं और पुलिस अधिकारी आमने सामने हैं। अब ये फिर से जाम लगाने की बात जो है कह रहे हैं महिलाएं। अब ये फिर ये रोड के ऊपर आ गई हैं और फिर से जाम लगाने की कोशिश जो है वो की जा रही है। वीडियो के साथ शेयर जरूर करते रहें। नेशनल हाईवे से ये तस्वीरें जो हैं आप देख रहे हैं। हरियाणा रोडवेज की बस ने एक युवक को कुचला है, साथ के साथ इन महिलाओं की वीडियोग्राफी जो है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है। तो इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। अभी जैसे इस मामले में कोई बड़ी कार्रवाई होगी हम तो लोग दोबारा लाइव होंगे। नमस्कार।